हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे सी पी स्मार्ट क्लासेस में जो ये क्लासेस चल रही हैं उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज जो आपके सामने सीरीज लेके आई हूँ मैं, उसमें टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय इतिहास। तो चलिए जी, अभी हमने इससे पहले साइंस और इन्वायरमेंट वगैरह कवर किए थे, तो अब जिन लोगों से मिस हो गया है उनको मैं बता दूँ कि प्लेलिस्ट बन गई है। आप वहाँ जा कर के उसमें छूटे हुए अपने जो कोर्स हैं, जो सेशंस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी संस्कृति से आप सबसे पहले चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिल रहे हैं, प्राचीनतम सबसे पुराने? हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण, वैदिक संहिताओं में चांदी के अहद सिक्कों में। तो देखिए, आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए होंगे कि जो सबसे नियरेस्ट, जो सबसे ऑथेंटिक, जो आपको प्रमाण मिले हैं सबसे पहले, प्राचीनतम संस्कृति हड़प्पा है। और देखिए, यहीं से आपको चांदी के साक्ष्य मिल गए हैं। और ये लोग व्यापार करते थे, बेसिकली चांदी मंगाते थे राजस्थान वगैरह के कुछ रीजन से। इसी तरह ये सोने का और जो कुछ इस तरह की धातुएं थी जिनका ये इवन अफगानिस्तान से भी आप देखेंगे कि इनका ट्रेड होता था अलग अलग धातुओं के रिगार्डिंग। तो ये देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग अब देखिए राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ऐसा जो है अनुमान लगाया गया है। ओके, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, बताएं जी। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य, जिनको कहा जाता है कि आर्य मूल निवासी थे, पहले तो ये बताइए कि आर्य, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर्स, हिस्टोरियंस के हिसाब से आर्यों को अलग अलग जगह का निवासी बताया गया है, जिसमें से सबसे जो आप कह सकते हैं मान्य मत है वो मैक्स मूलर का है, जो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती और भी अलग अलग हिस्टोरियन थे जिन्होंने अलग अलग उनको जगह का बताया। तो यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि उस आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ईश्वर में विश्वास ही एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। तो जो लोग आंसर डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि उत्तम व्यक्ति या आर्य इसका मतलब होता है, सिमिलर मतलब होता है, यानी कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। और वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति और विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख ही नहीं हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, अगर कोई कहता है कि नहीं वो एक विशेष जाति थी, तो नहीं, ऐसा कोई उल्लेख वैदिक साहित्य में तो नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे? बहुत नाम सुनते हैं आप इनका जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि कौन थे, बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, या बुद्ध के एक गुरु? तो देखिए, जब धर्मचक्र प्रवर्तन से पहले जब ये घर त्याग दिए थे, उसके बाद सबसे पहले जाकर के जिससे शिक्षा ली थी इन्होंने, वो अलार कलाम थे, एक सांख्य दर्शन के गुरु थे। तो ये क्या हो गए, बुद्ध के एक गुरु हो गए। अब देखिए, महाभिनिष्क्रमण के बाद, वही घर छोड़ने वाली जो है कहानी के बाद, ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में गए और उनसे दीक्षा ली, और कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। और अब देखिए, यहाँ जो मैंने बताया आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो ये पूरा जो है स्टोरी थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, बताइए। जो आपके पार्श्वनाथ हैं, जो आप कह सकते हैं महावीर स्वामी से जस्ट पहले वाले 23वें नंबर के जो आपके तीर्थंकर हैं, वो किससे संबंधित हैं? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, या चंपा? तो देखिए, वाराणसी जो है यहाँ से संबंधित थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, और इनकी माता का नाम भी देख लीजिए, शायद कभी पूछ ले, वामा देवी है, ठीक है। और इनका चिन्ह जो है वो सर्प है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है अब अगर नए टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो ये सब बन सकते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए काफ़ी लोग इसका सही आंसर जानते होंगे। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे जो लोग अवंतिका इसका ऑप्शन जो है बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उज्जैन को पहले अवंतिका भी बोलते थे। तो ये मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में है उज्जैन, जहाँ पे इसको प्राचीन नगरों में जाना जाता है, और ये 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की दो राजधानियों में से एक था, ठीक है। अवंती की दो राजधानी थी जिनमें से एक उज्जैन भी था, इसको अवंतिका भी इसीलिए कहते थे क्योंकि अवंती की राजधानी था। ओके, तो यहाँ तक सब क्लियर है, आगे देखते हैं।
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों बताइए, क्यों भिन्न थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वैदिक सभ्यता में जो है शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक है। तो हाँ, ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किससे भिन्न पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी, जैसे सिंधु घाटी, देखिए सिंधु घाटी को पूछा है कि किस मतलब किस तरह से वो अलग थी। देखिए शहरी जो कहते हैं ना नगर नियोजन की व्यवस्था, सिंधु घाटी में बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी, और वहीं पे आप देखते हैं जल निकासी प्रणाली के लिए भी बहुत जानी जाती थी। तो इस ये सिंधु घाटी जो है वो नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, ध्यान दीजिएगा, और वैदिक सभ्यता के लोग लोहे रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी में लोहे के ज्ञान का अभाव था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, डोंट इग्नोर सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स क्योंकि यही आपके जो है कंसेप्ट में तब्दील होके और आपके लिए एक कथन और कारण वाले भी वो बना दिए जाते हैं। तो इस टाइप का जो है कहानी आपको यहाँ से ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो है वो ये शब्द जो है ये कहाँ से संबंधित है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो देखिए गोपथ ब्राह्मण का आपको मिलेगा अथर्ववेद में देखने को, ठीक है। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण का जिक्र है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशीतकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, ठीक है। तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे और ब्राह्मण जो है दिए हुए हैं। तो ये दोनों जो है ऋग्वेद से थे, तांडव, पंचविश और जैमिनीय जो है सामवेद से थे, शतपथ यजुर्वेद से और गोपथ अथर्ववेद से था, ठीक है। तो हम गोपथ पूछ रहे थे तो वो अथर्ववेद से था, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें। तो हो गया यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। भाई बताइए सबसे पहले कौन सी बौद्ध संगीति हुई, एक्चुअली कहाँ हुई, उसके बाद कहाँ हुई, उसके बाद कहाँ हुई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले राजगृह में हुई थी, आपको पता है पहली संगीति राजगृह में हुई थी, उसके बाद हुई थी वैशाली में, तो यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट नंबर, तो यहाँ दूसरी वैशाली में, और फिर जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए, एक दो चार तीन, मतलब दो एक और चार तीन, ठीक है, दो एक चार तीन, ये डी नंबर में आपका जो है ये सही कूट आ रहा है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के आपको बताना पड़ जाएगा किसके शासनकाल में हुई थी, तो भैया अजात शत्रु के शासनकाल में, राजगृह या राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय कालाशोक के टाइम पे हुई थी और 100 वर्ष बाद वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये ज़रूर पूछी जाती है, और कहाँ हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगली पुत्ते से इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर, का से याद रखिएगा, चौथी वाली में तो ये सब कुछ का से है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, चल अब बताएं प्रथम मगध साम्राज्य जो था जिसमें हर्यक वंश और ये सारी चीज़ें बाद में चलती चली आई हैं, तो ये पूरा मगध एम्पायर कब इस्टेब्लिश हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, आपको पता होना चाहिए। ईसा पूर्व चौथी, छठी, दूसरी, पहली, तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास आप देखने मिलता है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। सबसे पहला जो था वो हर्यक वंश था जिसमें बिंबिसार जो है वो स्थापना कर रहे थे, राइट। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ। इसकी महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था जो हर्यक कुल से संबद्ध था, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। अब यहाँ उसी ज़माने की बात हो रही है ये कि इसका जो मत्स्य महाजनपद है ये पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित था। ये स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में, तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में जो है आपका मत्स्य, जिसकी राजधानी विराट नगर थी, ये राजस्थान में स्थित था महाजनपदा।
छठी शताब्दी में मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। आपसे 16 महाजनपदों के बारे में बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन से बेसिकली कहाँ किस राज्य में है और इनकी राजधानी क्या है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ जो है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की जानकारी देता है, प्लीज़ कॉमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? अब बताइए, शस्त्र धारण किया था किस राज्य के लोगों ने जब सिकंदर ने जिस आक्रमण कर दिया था? तो अबिसार, ग्लौसाई, कट और मसंग। तो देखिए, मसंग जो राज्य था, राज्य की राजधानी थी मसंग, वहाँ के लोग, वहाँ की औरतों ने क्या किया था कि फिर जब सारे के सारे मारे गए थे तो फिर इन्होंने जो है शस्त्र धारण कर लिए थे। ठीक है, देखते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक, ठीक है, राज्य का नाम अश्वक है, उन्होंने राज्य का नाम ना देके राजधानी दे दी है। एक सीमांत गढ़ राज्य था जिसकी राजधानी मसंग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। राइट, समझ आ रहा है सबको? निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? कौन सा पशु है भाई जो उस जमाने में नहीं उसमें दिखाया गया था हड़प्पा संस्कृति में? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो देखिए, बहुत स्मार्ट हैं आप लोग, हाथी, गैंडा, बाघ और इस तरह के सारे जानवर उसमें बने थे, लेकिन गाय का कोई भी वहाँ पे चिन्ह अवशेष और गाय की मौजूदगी का पता नहीं चलता, ना ही उसमें उसके बारे में लोगों को उसमें इतना वो था कि उसकी जो है, जब थी ही नहीं, पॉपुलर ही नहीं थी, और तो वहाँ कैसे वो चित्र बनाते कलाकृतियों में, ठीक है, तो गाय जैसा कोई शब्द चित्र जो है वहाँ नहीं मिला, रिप्रेजेंट नहीं किया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि कंकन मिलता है। जो बेसिकली गाय को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना, वो वैदिक संस्कृति में आते आते उसको जो है अगण्य और ये सब माना जाने लगा, तो इस तरह से गाय को असली इंपॉर्टेंस यहाँ से मिली है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए भाई, ऋग्वेद में कौन सी वो नदियाँ हैं जिन जो बताती हैं कि अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध थे? ठीक है, तो अस्किनी, परुष्णी, कुभा, क्रमु और या बिपाशा शतुद्री। तो देखिए, बिपाशा शतुद्री मैं बता दूँ आपको, बिपाशा जो है ब्यास का नाम है, शतुद्री सतलज का नाम है, लेकिन ये दोनों नहीं थी। जो ऑप्शन आपका सही है वो है सी, कुभा और क्रमु। ये दो नदियाँ जो है अफगानिस्तान में बहती हैं और इनका ये बताती हैं, इनका उल्लेख है कि अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध थे। देखिए कैसे, कुभा जो है वो काबुल नदी बोलते हैं और क्रमु को कुर्रम बोलते हैं, गोमती को गोमल और सुवास्तु को स्वात। ये नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी और इससे इनके उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। ओके, ये जो है हमारी ऐप पे चल रहे कुछ बहुत मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। लाइव चल रहा है, जो बच्चे जो है इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको TGT PGT म्यूज़िक का बैच नहीं मिल रहा है, वही हमारे यहाँ लाइव चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। और इसके अलावा आर्ट का बैच भी आप देखते हैं TGT PGT। इसके अलावा GIC के आपको पूरे सारे GS के सारे इसमें जो पूरे वो लेक्चर्स हैं वो दिए गए हैं लाइव। ओके, तो ये सब कुछ है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो देखिए, चाणक्य की जो वो क्या है आपकी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने सात सप्तांग सिद्धांत ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उनके हिसाब से सातवां अंग कौन सा था ये बताना है। सातवां जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष, ऐसे तो ये सारे के सारे उस सप्तांग का हिस्सा हैं, लेकिन सातवां वाला अंग कौन सा था ये बताना है। तो इसके लिए देखिए, जो मित्र है वो सातवां अंग था उनके हिसाब से। कैसे? सुहृद या मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग है। सुहृद राज्य के कान है, राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं और इस संबंध में कौटिल्य सहज और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सप्तांग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अलग से इसका पूरा निकाल लीजिएगा, कौन कौन से सप्तांग कौन कौन से जो है नंबर पर आते हैं। ओके, निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो बताइए, कौन से जो है वो ग्रंथ हैं जिनमें पता चलता है कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के राज्यकाल में हुई थी, ये कहाँ से पता चलता है? तो देखिए, दीप वंश और महावंश, ये दो जगहों से तो डेफिनेटली मिलता है, तो आप ऑप्शन में 2-3 ढूंढिए, ये है बी नंबर 2-3। देखते हैं, सिंघली अनुश्रुति में दीप वंश और महावंश के अनुसार
अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र बुद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई, मतलब पाटलिपुत्र में बौद्धों की तृतीय संगीति हुई जिसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्तिस ने की थी, और मैंने आपको बताया भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से इधर की ओर? तो जैसे उर्दू लिखी जाती है आप कह सकते हैं ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी। तो खरोष्ठी जो है वो बिल्कुल उर्दू की तरह यानी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन और कनिंगम जैसे विद्वानों को है, और ये मुख्यतः कहाँ की है? उत्तर पश्चिम भारत की, आगे पंजाब वाला पूरा रीजन आप ले सकते हैं, पंजाब कश्मीर वाला रीजन यहाँ की है। ओके, मेगास्थनीस ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? पहले तो मुझे ये बताइए मेगास्थनीस किसके दरबार में भारत आया था, ठीक है? तो मेगास्थनीस के हिसाब से भारतीय समाज जो थे वो थे सात, सात भारतीय समाजों समाज में श्रेणियों में भारतीय समाज को इन्होंने डिवाइड किया था। ओके, कैसे? देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। और मैं कहती हूँ कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ये सातों जो उनमें विभाजित किया था ये आपको पता होना चाहिए एक सरसरी निगाह से। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? हड़प्पा का एक बहुत फेमस स्थल है रंगपुर, चन्हुदड़ो, लोथल, ये सब। तो बताना है रंगपुर कहाँ है? तो पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। तो देखिए ये जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, ये सौराष्ट्र में, यहाँ पे आप जो है रंगपुर देख सकते हैं। यहाँ पे आज भी रंगपुर, मतलब आज भी मतलब क्या, मतलब उस जगह को सौराष्ट्र नाम दे दिया गया, रंगपुर वहीं पे था अवशेष और वहाँ पर खुदाई वगैरह हुई थी, तो पता चलता है। जो कि गुजरात वाले रीजन में, सौराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो देखिए, एक ऐसी रचना जिसमें कि आपको दुनिया भर के कर्मकांड, विधि, जादू टोना, चिकित्सा शास्त्र, तो वो अथर्ववेद है। तो जी हाँ, आयुर्वेद जैसे विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में आपको देखने मिलेगा। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचार, अंधविश्वास का विवरण भी है और विविध विषयों जैसे रोग निवारण, ठीक है, आपको यही बताना था, रोग निवारण और समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत आदि के विवरण तक सुरक्षित है इसमें। तो ये यही के लिए जानी जाती है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? मतलब बिना जो है पैसे दिए, बिना बेगार के, मतलब अपना अपने खर्च पे पूरा पूरा खर्च उठा करके सुदर्शन झील जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार जो उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई थी वो किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बनवाई थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। बिंदुसार, अशोक, रुद्र, दामन फर्स्ट। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है रुद्र दामन प्रथम। इन्होंने जो है पैसे वैसे के बिना अपने राज्य के खर्च पर ये पूरा काम करवाया था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का पता चलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अभिलेख में ये बात का पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट जो झील है उसकी मरम्मत बिना बेगार लिए करवाई थी, ठीक है, बिना बेगार लिए। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बता ज़रूर दिया करें। मैं रोज़ चिल्लाती हूँ लेकिन आप लोग रोज़ वही काम करते हैं। खैर, आज की ये क्लास हो गई है हमारी, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत सारा रिवीजन करें, और आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।